सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट कर चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके और बहुत ही डीप में चीजों को समझना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टॉपिक का नाम है आज, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑन डी प्रॉब्ली वेव्स, राइट। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं डी प्रॉब्ली वेव्स का या मैक्रो वेव्स का, उसको हम एक्सपेरिमेंटली जो वेरिफिकेशन ऑलरेडी दो अमेरिकन साइंटिस्ट कर चुके हैं उसको ही यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, राइट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम कुछ भी ऐसे नहीं हम कुछ कह सकते हैं साइंस में, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, अगर आप कुछ थ्योरी में आप प्रपोज कर रहे हैं, राइट। तो लुईस डी ब्रोगली ने, देखिए मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर करेक्शन कराना चाहता हूँ, इसमें ना टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में भी 1924 था एक जगह, तो 42 हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर में, राइट। यहाँ 194 जो लिखा है तो यहाँ 24 है। बेसिकली 1924 में लुईस डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट के लिए फॉर्मेटिव वेव्स, राइट। टाइपिंग मिस्टेक जस्ट यहाँ पर रिप्लेस हो गया है, हैं कि 72 लिख गया है, राइट। तो ये भी यहाँ पर आप अगर स्कैन कॉपी या फिर गूगल क्लास में अवेलेबल है तो वहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे कि करेक्शन करना, राइट। जब भी आप नोट्स बनाए तो उसमें 1927 है, राइट। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक बार रिकॉल करूँ, डी प्रॉब्ली हाइपोथेसिस, लुईस डी प्रॉब्ली हाइपोथेसिस और मैटर वेव्स। विद इन 5 मिनट्स ये हम डिस्कशन करके और किस तरह से उसको वेरीफाई करेंगे उसको ब्रीफ करेंगे। नो डाउट यहाँ पर थ्योरी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो उसमें थ्योरी भी ज्यादा होना जरूरी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज्यादा होना जरूरी है, राइट। अदरवाइज चीजें समझने में नहीं है, राइट। तो हम बेसिकली किस टर्म्स को, किस लॉजिक को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, लुईस डी ब्रोगली ने 1924 में हमें बताया कि जो भी मटेरियल पार्टिकल है उस मटेरियल पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव उसके साथ होती है, दैट मींस एसोसिएटेड होती है, राइट। उस मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उसको हम कहते हैं डी ब्रोगली वेव। उसकी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट किए थे डी ब्रोगली वेवलेंथ, कई सारे डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स के टर्म में, एनर्जी, टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंसेस, राइट। इवन मोमेंटम के टर्म में, मास एंड वेलोसिटी के टर्म में उसको हमने फाइंड आउट किया, राइट। तो फॉर्मुलेशन जस्ट मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पे यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एच अपॉन पी, राइट। एच अपॉन पी, यहाँ पर पी मोमेंटम है, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है एंड लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। तो यहाँ पर ये पी का टर्म चेंज हो जाएगा एनर्जी के टर्म में और उसमें टेम्परेचर के टर्म में और पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ पोटेंशियल के टर्म में जो हमने फॉर्मुलेशन ट्राई किए थे, लेकिन मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट 12.27 एक बार चेकआउट कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है, अपॉन अंडर रूट बी। बेसिकली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल इनटू 12.27, राइट। तो कॉन्स्टेंट ही ऐसा, राइट। तो इस मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करके और जो थ्योरेटिकल जो आइडियाज था इन दोनों को और जो और साइंटिस्ट मैथमेटिक्स बता रखे हैं उसको यूज करके इसको एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए और फिर वेरीफाई किए कि जो इलेक्ट्रॉन है मटेरियल पार्टिकल उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है, राइट। तो बहुत ही कंसेंट्रेशन चाहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, तो आप लोग को डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा, राइट। और किसी चीजों में, क्योंकि मोबाइल से आप क्लासेस लगा रहे हैं, कई लोग लैपटॉप पे भी यूज कर रहे हैं, राइट। तो डमी लेक्चर ना लगाओ लोग प्लीज, राइट, ध्यान रखिएगा। आपको देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर दिस द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट इज सजेस्टेड बाय डी ब्रोगली वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय टू अमेरिकन फिजिसिस्ट दैट इज द डैविजन एंड जॉर्डन इन 1927। इसको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया, डेविजन एंड जर्मर। ये आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आता है कि एक्सप्लेन डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स कोरिलेट्स विद द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर वेव्स, राइट। तो
आप लोग भी अगर मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट बनते हैं तो ऐसी चांसेस मिल सकता है कि एक्सपेरिमेंट आप कुछ और कर रहे हैं और उसी के साथ साथ कोई और रिसर्च हो जाती है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ना। तो वैसे ही कुछ इनके सामने, तो इनफैक्ट डेविजन एंड जर्मर वर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ निकल टारगेट एंड एक्सीडेंटली, मतलब वो पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कोई और डिजाइन किए थे, किसी और चीज को स्टडी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी स्टडी की थी, राइट। कुछ और भी फिनोमिना उन्होंने ऑब्जर्व, साइंटिस्ट है वो, सारे सारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो रिफ्लेक्शन ये स्टडी कर रहे थे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम अ निकल टारगेट, निकल क्रिस्टल से किस तरह से इलेक्ट्रॉन का रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको स्टडी कर रहे थे। बट एक्सीडेंटली सब्जेक्टेड द टारगेट टू सच हीट ट्रीटमेंट दैट इट वॉज ट्रांसफर्ड इन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ क्रिस्टल्स बिकॉज ऑफ व्हिच रिफ्लेक्शन बिकेम एनोमलस, दैट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा अपीयर्ड। हुआ क्या कि उसमें टारगेट जो है निकल क्रिस्टल है, टारगेट निकल क्रिस्टल को उस पर जो उसको हम इलेक्ट्रॉन की बीम जो इंसिडेंट कर रहे हैं हीट ट्रीटमेंट के थ्रू, फिलामेंट से उसको हीट करके और इलेक्ट्रॉन गन आप कह लीजिए, यहाँ सर उसके हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन हार्मोनिक इमिशन के वजह से इमिट हो रहा है वो फिर इंसिडेंट जब हो रहा है निकल क्रिस्टल पे तो कुछ और ही फिनोमिना रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या फिनोमिना रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पर, मैक्सिमा और मिनिमा रिप्रेजेंट हो रहा है। जस्ट मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो व्हाइट पोर्शन है वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो ब्लैक पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये आप कह सकते हैं मिनिमा, और जो ये ब्राइट है वो मैक्सिमा आप कह सकते हैं, यानी कि ब्राइट डार्क इन ब्राइट, डार्क इन ब्राइट। तो अब आपको आइडिया लग रहा हो कि ये फिनोमिना डार्क ब्राइट ऐसे मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई अगर रिफ्लेक्शन फिनोमिना अगर हम वहां पर करेंगे तो ये तब हो सकता है जब कहीं इंटरफेरेंस फिनोमिना हो, इंटरफेरेंस फिनोमिना तब हो सकता है जब उसमें वेव का कांसेप्ट हो, राइट। तो कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये वेव इस तरह से होगा, तो बहुत डिटेल में यहाँ पर हम बॉदर करेंगे। तो दे गॉट एन आइडिया दिस एनोमलस बिहेवियर, दैट मीन्स कि मैक्सिमा एंड मिनिमा, एनोमलस दैट मीन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा बिहेवियर मे बी बिकॉज ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये किस वजह से हो रहा होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा होगा, बट एक्सरे तो यहाँ नहीं है, ना तो हम इलेक्ट्रॉन बीम को कर रहे हैं, सजेस्टिंग देयर बाई दैट इलेक्ट्रॉन्स टू बिहेव लाइक वेव्स, यानी कि एक्सरे भी एक तरह का क्या है, वे है, वेव है वो, राइट। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एक वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा, राइट। तो इस बिहेवियर को वेरीफाई करने के लिए और प्रॉपर उसको ऑथेंटिसिटी देने के लिए उन्होंने फिर और उसको थोड़ा सा अपने एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन को चेंज करके और उसको फिर मैथमेटिकल इक्वेशन से वेरीफाई, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं। सो टू वेरीफाई दिस फैक्ट दे प्रिपेयर्ड अ टारगेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, यहाँ पर हो सकता है कि सिंगल क्रिस्टल नहीं हो जो पहले एक्सपेरिमेंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, राइट। बट इस एक्सपेरिमेंट को मतलब इस वेव नेचर को वेरीफाई करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या एसोसिएटेड है, वेव एसोसिएटेड है, जिसको हम बी प्रॉब्ली वेव कहते हैं, राइट। तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिंगल क्रिस्टल ऑफ निकल, सिंगल क्रिस्टल का मतलब कि एक पूरी मतलब उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं हो, ये निकल है, राइट, और पूरी पूरी क्रिस्टल मतलब बाउंड्री तक वो निकली है, उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी है कहीं ब्रोकन नहीं हो पा रहा, राइट। तो सिंगल क्रिस्टल पे उसी इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करके और फिर उसकी फिजिक्स को उसके जो फिनोमिना रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया और फिर मैथमेटिक्स यूज करके फिर वेवलेंथ की प्रॉब्लम वेवलेंथ कैलकुलेट किया, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन गन से मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या बेसिकली होता है, फिलामेंट होता है जिसको हम एनर्जी देंगे तो वो हीट होगा, राइट, हीट होगा, तो हीट होगा दैट मीन्स कि वहां से इलेक्ट्रॉन बेसिकली इमिट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन गन यानी कि बहुत ही शार्प एक बीम की तरह, एक रेज की तरह। तो देखिए रेज और बीम में क्या डिफरेंस मैंने बता रखा था कि वो बल्क ऑफ बीम कह सकते हैं, बल्क ऑफ रेज को बीम कह सकते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड। तो वो इंसिडेंट होगा उस फिलामेंट से, कहाँ पर इंसिडेंट कराना है, उसमें हमारे पास एक
सिंगल क्रिस्टल, निकल का सिंगल लार्ज निकल क्रिस्टल होना चाहिए, राइट। तो क्रिस्टल पे क्या होता है, देखिए आप लोग अभी प्रीवियस वीक में आप लोगों ने विजिट किए और एक्सआरडी को आपने ऑब्जर्व किए होंगे वहां पर, या फिर पढ़े होंगे एक्सआरडी एक्सेलरेटेड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का हम आपने सुन रखे हैं, इवन प्लस टू में इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फाइव टर्म्स आपने ऑप्टिक्स से रिलेटेड सुन रखे होंगे। इसमें कई सारे टर्म्स आप पढ़ रखे होंगे ऑप्टिक्स में, नो डाउट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट राइट। और फिर यहाँ से स्कैटर्ड बीम होगा, डिफ्रैक्टेड बीम होगा, तो उसको फिर उसकी जो इंटेंसिटी के बेसिस पे, उसके एंगल के बेसिस पे उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है। यहाँ से इंसिडेंट होकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्कैटर्ड होगा, डिफ्रैक्ट होगा क्रिस्टल के बाउंड्री से, इंटरप्लेनर स्पेसिंग से वो डिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि उसकी जो डायमेंशन होगा अप्रॉक्स होगा मतलब दोनों का, तो इसलिए वो स्कैटर्ड हो जाएगा, डिफ्रैक्ट होगा, राइट। इन बिटवीन आप लोग माइक को या फिर वीडियो ना ऑन करें, डिस्ट्रैक्ट होगा लेक्चर, राइट। कंसेंट्रेट होकर के आप सुनिए, समझिए, जो चीज नहीं समझ में आएगा आप लोग लास्ट क्वेश्चन आप में जरूर पूछेंगे, या फिर चैट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, राइट। समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए, अदरवाइज फिर नकल का ही सहारा रहेगा एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में भी तो नकल नहीं हो सकता, राइट। तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, उसको इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को यहाँ पर ये बेसिकली अल्फा लिखा है, दैट इज बेसिकली डी, दैट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, राइट, दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी है, दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम निकल क्रिस्टल के लिए, राइट। ये डिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री, इसका भी सिग्निफिकेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कैटर्ड एंगल है दैट इज 50 डिग्री, राइट, ये इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, राइट। तो इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पर बॉदर नहीं करने जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को यहाँ पर बॉदर कर लिए। तो देखिए फिर इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से क्या हुआ, तो ये यहाँ से बीम ऐसे इंसिडेंट होगा और फिर इसके स्कैटर्ड होगा, डिफ्रैक्ट होगा, राइट। डिफ्रैक्शन बेसिकली स्कैटरिंग है, एक तरह से शार्प एजेस पे स्कैटर हो जाती है लाइट। तो इसके स्टडी करने के लिए, इस फेनोमेना को, इस एक्सपेरिमेंट में जो फिजिकल पैरामीटर हमें आउटपुट आ रहा है उसको स्टडी करने के लिए ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करेंगे, दैट ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटरिंग दैट इज 50 डिग्री, एंगल ऑफ स्कैटरिंग दैट इज phi, एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इलेक्ट्रॉन किस इंटेंसिटी से यहाँ पर डिटेक्ट होगा, राइट, डिटेक्टर पे डिटेक्ट होगा उसकी इंटेंसिटी के बीच में, राइट। एंड डिफरेंट वोल्टेज, यहाँ पर जो हम वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सिलरेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सिलरेट होकर यहाँ पर आ रहा है, और उसके डिफरेंट वोल्टेज पे। तो कई सारे, मैं एक बार उस इमेजेस को रिप्रेजेंट कर दूं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दूं, उस पेज पे देखिए इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट बीम है वाई एक्सिस में, आप कह सकते हैं इंसिडेंट और इंसिडेंट बीम, और एक्स एक्सिस में डिफरेंट वोल्टेज पे 40 वोल्ट है, 44, 48, 54 एंड 60 वोल्ट, और ये जो स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल फिक्स है इसका, राइट। फिर ये इंटेंसिटी पैटर्न में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, इस इंटेंसिटी पैटर्न से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटरनली उसने कुछ ना कुछ फेनोमेना चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ उसने फिजिक्स का फेनोमेना ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि इसमें डायग्राम जो अभी रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, जस्ट मैं इसको एक बार रिपीट करके आपको फिर बॉलो करता हूँ कि डायग्राम क्या है बेसिकली। It is observed that below 44 volt the curve is smooth, and at 44 volt, and at 44 volt a bump begins to appear in the curve. Just इतने को मैं रिप्रेजेंट करूँ फर्स्ट ग्राफ से। नेक्स्ट पेज पे आप ग्राफ को समझेंगे। देखिए इस इंटेंसिटी कर्व में इंसिडेंट बीम वर्सेज पोटेंशियल है, राइट। इसमें अगर हमने वोल्टेज पे देख रखे हैं 44 वोल्टेज पे, तो इंटेंसिटी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, फिर इस तरह से इसकी नेचर चेंज हो जा रही है। तो यहाँ पर माइन्यूट सा हमने चेंजेस ऑब्जर्व किया,
ऐसा तो है नहीं कि एक्सपेरिमेंट हम सिंगल टाइम कर सकते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट में अलग अलग पैरामीटर्स चेंज करके उसको ऑब्जर्व करना है कि हर एक मतलब डायरेक्शन से कि उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। अगर हमने वोल्टेज चेंज किया तो यहाँ पर एक हमने बम्प ऑब्जर्व किया, यानी कि थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी वेरिएशन यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया 48 वोल्ट पे, और थोड़ा सा ये इंक्रीज हुआ 54 वोल्ट पे, और थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज हो गया। उसके बाद 54 वोल्ट के बाद देख रहे हैं कि वापस वो डिक्रीज होने लगा, ये जो यहाँ पर पीक्स दिख रही है वो वापस कम होने लगी, राइट। तो ये चीजें हम वहां पर ऑब्जर्व किए, ये कैसे प्लॉट हुआ, यहाँ पर हमने डिटेक्टर यूज कर रहे हैं। तो डिटेक्टर हमें डिटेक्टर और वहां पर वोल्ट मीटर लगा होगा, तो वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा कि कितना हम उसको एक्सेलरेटर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वोल्टेज वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की वैल्यू अलग आएगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर से, फिर उस वैल्यू को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, राइट। तो यहाँ तक दिस कंटिन्यूअस टू मूव अपवर्ड रीचिंग अ प्रोनाउंस्ड मैक्सिमम एट 54 वोल्ट एंड दैट इज phi इज इक्वल टू ट्रायंगल दैट इज 50 डिग्री, यानी 54 वोल्ट पे हमें एक मैक्सिमम ऑब्जर्व हो रहा है एंड अबव 54 वोल्ट्स द बम डिमिनिशेस विद इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इवन पोटेंशियल इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो वहां पर मैक्सिमम एक ऑब्जर्व हो रहा है, चेंजेस ऑब्जर्व हो रहा है, वो फिर वापस डिमिनिश होने लगा, वो कम होने लगा, राइट, एट अबाउट 68 वोल्ट। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द इलेक्ट्रॉन्स विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस डेटा को रियलाइज कीजिए। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और पोटेंशियल को हम केवल वोल्ट में, राइट। डब्ल्यू इज इक्वल टू ईवी हमने पढ़ रखे थे, राइट, ये एनर्जी ईवी में होगा, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 54 इलेक्ट्रॉन वर स्ट्रॉन्गली स्कैटर्ड एट पाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट, यानी कि इस वैल्यू को हम इस डेटा को और दूसरे मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज करके, पोटेंशियल्स में यूज करके, जैसे जैसे एनर्जी तो इतनी हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, 54 वोल्ट होगा। तो हमें अगर पोटेंशियल पता चल गया कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमा का कंडीशन ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, कुछ हमें डिफरेंट ऑब्जर्व हो रहा है उसके ग्राफिकल मेजर, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला, इंटेंसिटी वेरिएशन से, दैट मींस कि वहां पर इंटरफेरेंस फेनोमेना हो रहा है। अब वो कॉन्सेप्ट आएगा इंटरफेरेंस का और वेव का, एक्सप्लेनेशन में देखो, बहुत कंसंट्रेट होता है। द प्रोमिनेंट पीक इंटेंसिटी एट 54 वोल्ट्स एंड 50 डिग्री मे बी इंटरप्रेटेड एज बीइंग ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेव After being diffracted by the target in the same way as X-rays diffracted by Bragg's diffraction from a regularly spaced atoms of the nickel crystal, यहाँ पर समझिए कि अगर हमने X-ray को किसी crystal पे incident करा रहे हैं, तो same way पे जिस तरह से वो X-ray diffract हो रहा है, उसी तरह से हम ऐसा observe कर रहे हैं कि ये electron beam भी diffract हो जा रहा है, scattered हो जा रहा है, और फिर डिफ्रैक्ट होकर के कैसा ही इंटरफेरेंस फिनोमिना हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कल हमने लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इंटरफेरेंस बेसिकली क्या है, री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ऐसे तो आपने 4-5 लाइन का डेफिनेशन भी आपको याद होगा, तो जस्ट मैं ब्रीफ में यहाँ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है दोनों वेव में, यानी टू और मोर वेव अगर एग्जिस्ट कहीं करेगा तो दोनों मर्ज हो सकता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट इक्विवेलेंट हो जाएगी। ये सारा कुछ आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर रखा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर मिनिमा हो, यानी कि जब सुपर इम्पोज हुई दोनों वेव तो उसकी इंटेंसिटी उस पॉइंट पे जीरो हो गई। तो जहां पर इंटेंसिटी जीरो हो गई, यानी कि वो कैसा इमेज हमें शो करेगा, हमें डार्क फ्रिंज शो करेगा। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दैट मींस कि उसकी एम्पलीट्यूड जो था वो एडअप हो गया, इंटेंसिटी अब इंक्रीज हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी, यानी एम्पलीट्यूड अगर ऐड होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, यानी कि जहां पर मैक्सिमा है यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर दो फ्रिंजेस जस्ट रिप्रेजेंट कर दूं, दो डार्क फ्रिंजेस और इन बिटवीन है वो ब्राइट है, वो ब्राइट क्यों दिख रहा है हमें, दैट इज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस तभी हो सकता है जब हम वहां पर बात कर सकते हैं वेव का, विदाउट वेव हम पार्टिकल का इंटरफेरेंस नहीं करा सकते हैं, हम उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका हम इंटरफेरेंस करा सकते हैं। यानी कि ये जो वेव यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है यहाँ पर डिटेक्टर पे स्क्रीन पे वो जा करके वेव के फॉर्म में ऐसे वहां पर स्ट्राइक कर रहा है, और हर एक इलेक्ट्रॉन एक ही पॉइंट पे जाके स्ट्राइक नहीं करेगा, वो डिफरेंट लोकेशंस पे करेगा। तो जहां पर भी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो ब्राइटनेस शो कर देगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर डार्कनेस शो करेगा, राइट। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम में कैसा ऑब्जर्व किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और भी देखिए अभी तो ये जस्ट हम कह सकते हैं कि 50% हमने वेरीफाई किया, अब मैथमेटिकली इसका प्रूफ होना चाहिए। तो ब्रेक डिफ्रैक्शन कंडीशन आपने पढ़ रखे होंगे, इवन या प्लस टू में सुन रखे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होती है क्रिस्टल से, राइट। तो डिफ्रैक्शन कंडीशन क्या है, ब्रेक्स लॉ क्या है, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा। d इज द बेसिकली इट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, क्रिस्टल्स के बीच में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है दैट इज द d, एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंड इज द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है या थर्ड ऑर्डर, एंड दिस लैम्डा इज कोरिलेटेड विद, एज यू नो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन और दैट ऑफ वेव जो भी वहां पर कोरिलेटेड है, राइट। तो किस कंडीशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ, ऑफ कोर्स इससे हम कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि इस डिफ्रैक्शन कंडीशन से ब्रिग्स लॉ से किस कितनी वैल्यू आती है वेवलेंथ का, और जो हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में जो हमने फॉर्मुलेशन ट्राई किए थे, और यहाँ पर इंटेंसिटी से हमें पता चला कि कुछ चेंजेज आ रही है 54 वोल्ट से, 54 उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लैम्डा की वैल्यू चेकआउट करेंगे, अगर उसमें कुछ अप्रॉक्सीमेशन आएगी फिर तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस है, अदरवाइज नहीं है सक्सेस, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं, राइट। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली देखिए एक्सप्लेन किया गया है, assuming n is equal to 1, that means the for first order diffraction, that's d probably wavelength of refracted electron, right? यानी कि क्रिस्टल से निकल सिंगल क्रिस्टल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जब स्कैटर्ड हो रहा है यानी डिफ्रैक्ट हो रहा है, तो उस डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन की d probably wavelength कितनी होगी, d probably wavelength यानी कि ब्रैग लॉ से हमें कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 रख दिया, लैम्डा हो गया इनटू 2, और d की वैल्यू पहले ही रिप्रेजेंट कर रखे थे निकिल क्रिस्टल के लिए, दैट इज 0.91 एंगस्ट्रॉम, और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है दैट इज 65 डिग्री, तो साइन 65 डिग्री रखते हैं, राइट। तो साइन 65 डिग्री की वैल्यू 0.9063, एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1.65 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये किससे वैल्यू आई, ये ब्रैग लॉ से आया, और जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यूज कर रखे हैं और जो क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ तो डिफ्रैक्शन कई सारे ऑर्डर में हो सकते हैं, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो डेटा उसी से आ गया हमें ब्रैग्स लॉ से। अब डी प्रॉब्लम में जो हमें पोटेंशियल से रिलेटेड फॉर्मुलेशन प्रोवाइड किए उसमें भी देख लेते हैं, ये हमने एक फॉर्मुलेशन प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव करे थे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम में, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा दैट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम। कितनी वैल्यू आपको डिफरेंस लग रहा है, जस्ट 0.02 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, दैट मीन्स की डी प्रॉब्ली वेवलेंथ यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मुलेशन से जो कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम, और जो ब्रेक्स लॉ से जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, मतलब कितने टाइम्स उसको कब से यूज किया जा रहा है ब्रेक्स लॉ को,
उसको भी यूज किया जा रहा है तो भी अप्रॉक्स आंसर आ रहा है ना, जो वेवलेंथ का है अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है। तो इसमें हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इससे, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ, देयरफॉर द टू रिजल्ट्स आर इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद ईच अदर, यानी कि ब्रेक्स लॉ से भी हम इसको वेरीफाई कर लिए और इधर डी ब्रोगली से भी कंपेयर कर लेंगे, दोनों रिजल्ट ही एक्सीलेंट एग्रीमेंट है, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्ट वेरिफिकेशन, इज प्रोवाइड डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ द वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी मीडियम में मूव कर रहा है तो क्या होगा, उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगा, यानी कि वेव एसोसिएटेड होगा, दैट मींस कि एवरी मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद द वेव, एंड दैट इज आल्सो द हाइपोथेसिस दैट इज द वेव नेचर ऑफ द मैटर। कि हमने मैटर के दो नेचर बताए थे, एक तो वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है, राइट। तो इसके अलावा भी कई सारे मेथडोलॉजी हैं, इवन कि उससे भी हम प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इवन डिफरेंट बुक्स में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ दिस वी प्रॉब्ली वेव, और यू कैन से मैटर वेव्स, राइट। अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेरीज है तो आप अभी चैट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, अगर कोई क्वेरीज नहीं है तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, राइट। और आप लोग को ये जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्पीड इज 1 मीटर पर सेकंड, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, जस्ट टाइप योर ऑल नंबर। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, ऐसे कई सारे मैं अपलोड करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पे, उसको आप लोग को सॉल्व कर लेना, राइट। तो इस वीक का तो ये आज लास्ट लेक्चर था, कि नेक्स्ट वीक में 4 लेक्चर्स मंडे टू थर्सडे लगेंगे, राइट। तो आई होप कि ये जो प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर फिनिश होगा, इस पर फिर हमारा जो असाइनमेंट होगा वो प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, राइट। उससे और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो आप अब जस्ट इमेजिन कीजिए कितना सिंपल ये प्रॉब्लम है, कि 1 किलो ऑब्जेक्ट के साथ 1 kg ऑब्जेक्ट के साथ कितनी उसकी वेवलेंथ हो सकती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकती है, एंड कैन बी ऑब्जर्व दैट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 1 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, आप अपने बॉडी के साथ कितनी वेव एसोसिएटेड है, क्या उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम मेजर कर सकते हैं, क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू इतना कम होगा कि उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई हैंड रेज कर रखे हैं, चलिए। थैंक यू सो मच, क्वेश्चन आवर्स में आपको मेडिसिन से उसका कोई क्वेश्चन।